जिराफ को तो अक्सर आप देखते ही होंगे, या तो चिड़ियाघर में या फिर किसी नेशनल पार्क में। ये सभी थलीय पशुओं में सबसे ऊंचा होता है और जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है, जो अपनी लंबी गर्दन, टांगे और अपनी खास सिंहों की वजह से विशेष रूप से जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी गर्दन आखिर इतनी लंबी क्यों होती है? आज हम आपको इस सवाल का जवाब बताने वाले हैं और जिराफ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे तो जिराफ मूल रूप से अफ्रीका के जानवर हैं, लेकिन अब ये दुनिया भर के कई देशों में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ एक ऐसा जानवर है जो एक दिन में महज आधा घंटा ही सोता है, और वो भी एक बार में सिर्फ 5 मिनट ही। एक नर जिराफ की ऊंचाई 18 फीट की होती है। इनकी तो गर्दन ही सिर्फ 6 से 8 फीट की होती है, जबकि पैरों की ऊंचाई लगभग 6 फीट होती है। यानी धरती पर रहने वाले औसतन इंसान जिराफ के पैर से भी छोटे हैं। जिराफ ऊंट की तरह ही एक ऐसा जानवर है जो कई दिनों में सिर्फ एक बार पानी पीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घास खाने वाला जानवर है, और उसकी वजह से उसके शरीर में हमेशा नमी बनी रहती है। एक बात और हैरान करने वाली है कि जिराफ बिना पानी पिए ऊंट की तुलना में ज्यादा चल सकता है। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही चलने लगता है और महज 10 घंटे में ही दौड़ना शुरू कर देता है। जन्म के समय इनके बच्चों का वजन 100 किलो होता है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इंसानों की तरह जिराफ के भी 32 दांत होते हैं। जिराफ के सबसे करीबी रिश्तेदार लेकिन छोटी गर्दन वाले ओकापी के साथ तुलना करके वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि इनकी गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनकी लंबी गर्दन और विशाल हृदय का विकास समय के साथ साथ कुछ जेनेटिक बदलावों से हुआ है। हालांकि अभी भी इसको लेकर के कुछ विवाद है, जिसे सुलझाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।